मिश्रा है, आप सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि यहाँ पे हर धर्म का सम्मान किया जाता है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को अपनी तरीके से चलाने की खुली छूट है। ऐसे में आए दिन धार्मिक हिंसा बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो बहराइच का मामला आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए हम उतरे हैं लखनऊ की राजधानी में और बात करेंगे यहाँ की जनता से बहराइच में, देखते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। क्या नाम है आपका? आचार्य रविंद्र योगी। आचार्य जी, बताइए कि आप तो योगी बाबा से पूरे इंस्पायर लग रहे हैं, हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन में वो ढिलाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्रशासन में ढिलाई नहीं है, विपक्ष के वजह से जो बहराइच में घटना हुई है, विपक्ष को आईना देखना चाहिए। विपक्ष जो मुस्लिम से चिल्लाता रहता, बताइए अब हम अपने दुर्गा विसर्जन भी नहीं कर सकते हैं। कहा गया कि जब दुर्गा विसर्जन हो रहा था तो वो लड़का एक उनकी छत पे चढ़कर झंडा हटाने लगा, तो इसमें उस लड़के की गलती है ना, उसे झंडा हटाने की क्या आवश्यकता थी? नहीं नहीं, झंडा नहीं, वो झंडा नहीं है, वो तो रोड है ना, अपने अपने धर्म का अपने अपने सब लोग फॉलो करेंगे, तो आप किसी के धर्म का झंडा हटा देंगे? अभी आप बताइए, जब अभी आप मुहर्रम होती, आप देखिए आकर के जब ताजिया उठती तो सबके दरवाजे पे झंडा लग जाते हैं रोड में। नहीं तो वो मुस्लिम जो बहुमूल इलाका होता है वहाँ पे लग जाते हैं ना, मेरे घर का तो श्री राम का झंडा कोई हटा नहीं देता। अरे वाह, हमारे नटखेरा रोड से वहाँ तक चलते, आप लोगों के घर में जो झंडे आपने लगा रखे होंगे ना, आज हाँ अपने वो लोग आके उसको हटा देते हैं। नहीं नहीं, हटा नहीं देते हैं, लेकिन ये शासन ने उस पे वो किया, उन लोगों की गुंडई रही है। समस्या क्या हो गई? क्या बोल रहे हैं आप? किसी के घर पे उसका धार्मिक अपना अपना सब कुछ संविधान में अधिकार है, अपना झंडा लगा रहे, आप उसके घर में जा चढ़ के उसका तोड़ते हैं, उसका छज्जा भी तोड़ देते हैं और वहाँ भगवा झंडा लगा। मैं मुस्लिम हूँ, ये किसी हिंदू भाई के घर पे झंडा लगाया है भगवा, और मैं भीड़ लेके उसके घर पे चढ़ के झंडा हटाऊँ उसका और अपना झंडा लगाऊँ चांद तारों वाला, तो इन पर क्या महसूस देगी वो बहन बेटियों की सुरक्षा? नहीं, हिंदुस्तान में चांद तारे का लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? अरे अपने धर्म का क्यों नहीं लगा सकते? क्या लगा लोगे धर्म के? अब यहाँ पे नहीं भगवान, तिरंगा लगाओ मत लगाओ, तिरंगा लगाओ, लगाओ तिरंगा, चांद तारा लगाओ के काला झंडा दिखाओगे यहाँ? तिरंगा तो नागपुर में भी नहीं लगा, तिरंगा लगाने कौन रोके? तो भगवान मत लगाओ ना। और जब वो जब एक धार्मिक यात्रा उधर से चल रही, आपको मालूम हो तो अगर एक घंटा के लिए उतार लेते तो क्या परेशानी? क्यों उतार लेते? नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। कैसे उतारा दूसरे घर पे चढ़ के? हाँ तो कैसे उतार रहा है? ये झंडा चलेगा, ये झंडा चलेगा, क्यों चलेगा? अपने धर्म का झंडा कौन लगाएगा? धर्म का झंडा यही तो किया, धर्म झंडा नहीं है, धर्म का झंडा नहीं है। तुम्हारे कहने से होता है क्या? तुम लोग लगाओगे तो धर्म का है? हाँ वो तो है, हरा हमारा धर्म का है। हटाइए, क्यों हटाइए? तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, तो तुमने कैसे कह दिया हटाइए? तुमने कैसे कह दिया हटाइए? तुमने कैसे कह दिया हटाइए? हमारे बाप का है, हमारे बाप का है, हमारे बाप का है, समझ बेकार सबका है, ये हिंदुस्तान समझ को, हिंदुस्तान सबका है, मत करिएगा समझ को, बकवास मत करिएगा। अपने धर्म का झंडा, हमारा धर्म का झंडा नहीं होने दिया जाएगा। उतार के देखो गोली लगेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू पटेल है, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। राजू जी, ये बताइए कि अभी ये जो बहराइच वाली घटना हुई है, इसमें आपका क्या कहना है? सर देखिए, जो बहराइच वाली घटना जो मतलब हुई है, उसमें जो भी दोषी मतलब हों, या किसी भी क्षेत्र में कोई भी मतलब घटना होती है, जो दोषी मतलब होते हैं उसमें मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की घटना मतलब जो हो रही है, वो समाज में मतलब खराब छवि मतलब क्या कहते हैं दे रही है। मैं मतलब क्या कहते हैं जनता और आपके चैनल के माध्यम से मतलब कहते हैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी उसमें दोषी मतलब पाए जाएं उसके मतलब खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे मतलब जनता जागरूक हो और ऐसा अपराध कोई ना करे। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। क्या नाम है आपका? समीर। समीर जी, बताइए कि अगर वो झंडा उतार रहा था तो क्या उसको गोली से मार दिया जाएगा? हमें जानकारी उसकी पूरी, उसमें ये है वो झंडा बारह वफात का लगा था। अच्छा। बारह वफात जो त्यौहार निकल गया, करीब हो गए 15-20 दिन रोशनी वाला। हाँ हाँ। तो वो पहले के लगा था, तो वो शोभा यात्रा निकल रही थी भाई, वो रास्ते से निकल यात्रा नहीं निकल रही थी, वो दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे, कुछ कर रहे थे, मगर दूसरे के घर से झंडा हटाने की क्या जरूरत थी? झंडा हटाया, झंडा हटाने के बाद वहाँ भगवा झंडा लगाया, फिर जय श्री राम के नारे लगाए, ये गलत है ना तरीका भाई। हम किसी मंदिर में जाएं, आपके किसी कोई मोमना आपके किसी घर में जाए, वो भगवा झंडा निकाल के फेंक दे और हमारे नारे लगाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये गलत है, या तो उन्होंने किया हो तो करा तो इन लोगों ने भाई, उन लोगों ने ऐसे तो गोली चलाई नहीं है, तो गलती तो इन लोगों की है भाई। आप कहने का मतलब है कि गलती इन लोगों की? हाँ, इन लोगों की गलती है सीधी। आपका क्या नाम है?
मैं भीमसेन राजभर। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़। अब ये बताइए कि जो बहराइच में घटना हुई जिससे एक धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है, खास करके विपक्ष ज़्यादा उछालती है इसको, तो आप इस पे क्या कहेंगे? ये सरकार प्रायोजित है, कोई किसी की हिम्मत है कोई दंगा कर सकता है? इतनी बड़ी फोर्स है, इतनी मिलिट्री है, अभी अकबर नगर उजाड़ दिए है, 24 घंटा के अंदर जिस अपराधी को चाहे पकड़ ले सरकार, इतनी बड़ी मशीनरी है, दंगा कोई कैसे कर देगा? तो कैसे हुआ फिर? सरकार प्रायोजित, सरकार खुद ये प्रोग्राम बनाई है कि देश में दंगा फसाद हो। अच्छा। रोटी की लड़ाई, कपड़ा की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, दवा की लड़ाई खत्म, सिर्फ की लड़ाई शुरू, सिर्फ दंगा हो। अच्छा। एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले को मारे, एक जात वाले दूसरे जात वाले को मारे, सरकार सिर्फ यही प्रोग्राम रात दिन बैठ के बना रही है। इसमें छोटे छोटे कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें बड़े बड़े जिम्मेदार देश के, जो देश चला रहा है, जो प्रदेश चला रहा है, ऐसे लोग बैठ करके प्लान बना रहे हैं कि देश में दंगा कैसे होगा, कैसे बवाल होगा, तो कैसे बीच में मत बोलिए भाई, ये सारी प्लानिंग इतनी बड़ी मशीनरी, CID, CBI और इतनी बड़ी तमाम सारी मशीनरी है, बताइए कोई 10 मस हो सकता है? भारत की इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी पुलिस, इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी, सब कुछ है, ये सरकार प्रायोजित है। सरकार सिर्फ चाह रही है रोटी का, दवाई का, कपड़े का, शिक्षा का कोई बात न करे, कोई चर्चा ही न करे, और इसलिए ये सब के सब सरकार प्रायोजित है। चाहे कहीं गोली मारी जाए, चाहे कहीं बलवा हो, चाहे दंगा हो, चाहे जो भी कुछ हो रहा है, ये सरकार खुद करवा रही है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आपका क्या नाम है? बताइए क्या बात है? बात यही है कि जो बहराइच में चल, पहले अपना नाम बताइए। नाम तो नहीं बताऊंगा, तो फिर बात ही नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल जी, ये बताइए कि जो बहराइच वाली घटना चल रही है तो चर्चा का विषय बनी हुई है, हर जगह इस पे बात हो रही है, हर चैनल इस पे खबर चला रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ हुई, गोली मारी गई, तो क्या ये गलत हुआ? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे सरकार बात नहीं करेगी? मैं कई बार कई चैनलों पर बोल चुका हूँ। हाँ। ये जब से आई है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की है, हिंदू मुस्लिम करना, आपस में बांटना, छोटे बड़े को बांटना, धर्म के नाम से बांटना, जाति के नाम से बांटना। मैं ये वीडियो देख रहा था बहराइच का, उस लड़के ने पहले तो किसी कह रहा हूँ मुस्लिम धर्म के झंडे को हटाया और वहाँ पर भगवा फहराया। ठीक है, भगवा फहराओ, कोई दिक्कत नहीं, मगर किसी के धर्म का झंडा तुम हटाने वाले कौन होते हो? और वो मुसलमान का घर था, अगर वो इतराज भी करेंगे लगाने पे तो तुम भी, वो भी नहीं लगा सकते। मगर सवाल, झंडा गिराते गिराते में तुमने दीवार गिराई और दीवार खुदकिस्मती से अंदर की तरफ गिरी, अगर बाहर की तरफ गिरी होती तो कई जाने जा सकती थी। वहाँ से जो राहगीर गुजर रहा था या जो निकल रहा होगा उस पर वो पूरे का पूरा छज्जा गिर जाता, लोहे का छज्जा है, नहीं मरता तो कम से कम हाथ पैर तो टूट ही जाते। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो ये माहौल BJP खड़ा करती है चुनाव के दौरान, ये सिर्फ सत्ता ही पाने के लिए है। इन्हें न देश से कोई मतलब है, सरोकार है, न जनता से किसी मुद्दों पे सरोकार है, ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी पे उतर आई है। अब तो ये आलम हो गया है कि किसी के धर्म का झंडा भी हटाएंगे, अपना झंडा भी लगाएंगे। नतीजे में उस बच्चे के साथ क्या हुआ जिसने उकसाया? वो तो किनारे हट गया, अब वो तो सामने नहीं आएंगे। लड़के की जिंदगी तो या उनके परिवार में हो सकता वही पाल के देता हो। हाँ। वही कमाने वाला एक ही बच्चा हो, कोई और भाई ना हो, तो बताइए कैसे उस परिवार पे बीतेगी? क्या नाम है आपका? हमको तो लोग विनोद राय कहते हैं। हाँ। तो राय जी, ये बताइए कि अजय राय जी ने भी इस पे कमेंट किया है, अजय राय जी कह रहे हैं कि अब जो दोषी, मतलब जो विक्टिम है जो मरा, तो उसके घर परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप कि क्या मुआवजा देना चाहिए, और अगर उसको मुआवजा देना चाहिए तो क्या जो आरोपी है उसको सजा भी मिलनी चाहिए? देखिए साहब, आपने बड़ा लॉजिकल ये क्वेश्चन उठाया है, या और हम समझते हैं कि एक मानवीय प्रक्रिया में हम निरंतर पीड़ित परिवार को, पीड़ित लोगों को एक सरकार ने अपना एक विधा निर्धारित किया, और उस विधा में
किसी को अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको आर्थिक सहायता दी जाती थी। सवाल इस बात का नहीं कि 1 करोड़ रुपया पा जाएगा तो उस परिवार अपना लड़का भी पा जाएगा। अगर व्यक्ति की कीमत अगर 1 करोड़ रुपया हो, 50 लाख रुपया हो, 10 हज़ार हो, 5 हज़ार हो, ये तो एक अलग का चैप्टर है। चैप्टर तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब पूरा घटनाक्रम में जब इंसानियत और मानवता दोनों शर्मसार होती है। भाई धर्म क्या कहता है? धर्म ये कहता है कि धर्म वही है जो एक पीड़ित व्यक्ति को दुख से मुक्त करा दे, उसके पीड़ा जहां जख्म है वहां मलहम लगा दे और उसको एक मानवीय दृष्टिकोण से उसके संकट में से उबारने के लिए एक अहम भूमिका निभाए, यही धर्म है। लेकिन यहाँ तो ठीक उल्टा प्रक्रिया चल रही है, इसको आप भी देख रही हैं। यहाँ तो लोग आतंकवादियों के साथ भी लोग खड़े हो जाते हैं, उसको माला फूल ले करके जेल कौन खड़ा हो गया, बताइए कौन खड़ा हो गया? एक बात तो है, सरकार खड़ी है। आप कश्मीर का उदाहरण जीता जागता देख लीजिए, तमाम स्टेटों में हुआ है कि अपराधियों को निकालने के लिए सरकार खड़ी है, उसके पार्टी के नेता खड़े हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं, उसको माला फूल पहना रहे हैं। ये आप एंकर हैं, आप बढ़िया एंकर हैं। हम समझते हैं कि आप तेज तराक एंकर हैं, तो जो हम जानते हैं, जो हमें हमारे पास न्यूज आई, ये आपके पास भी होगी। अब रह गया सवाल कि देखिए, अपराध चाहे किसी रूप में हो, अपराध चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, किसी समुदाय के द्वारा किया गया हो, किसी भी समाज के अवांछनीय के तत्व के साथ किया गया हो, लेकिन अपराध अपराध है और अपराध की मैं भर्त्सना करता हूँ। और वो अपराध कि जब अपराध धर्म का कवच लेकर खड़ा हो जाए, अगर अपराध नंगा है तब तो भाई एक अलग पैरा है, उस पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अपराध का चादर अगर धर्म बन जाता है तो वो अपराध बड़ा जटिल हो जाता है। तो आज देश और मुल्क नहीं, ये दुनिया इस जटिल दौर से गुजर रही है कि कहीं किसी बिरादरी का है, किसी समुदाय से बिलोंग करता है, अगर मुस्लिम है तो अल्लाह ताला का बात शुरू कर लेता है, अगर हिंदू है तो वो राम की का कवच ओढ़ लेता है। राम और अल्लाह ताला ने कभी नहीं इजाज़त किसी व्यक्ति को दी है कि आप समाज में इंसानियत की हत्या करो, मानवता की हत्या करो, विधा की हत्या करो और तमाम ऐसे दबे कुचले नीचे जीने वाले लोगों का आप उत्पीड़न करें। मैं आपके चैनल पर ये कह सकता हूँ कि ईमानदारी से धर्म को हटा करके इंसान बनिए, इंसानियत की भूमिका निभाइए और एक दूसरे के जख्म पर मलहम लगाने का काम करिए, यही धर्म कहता है, यही धर्म की परिभाषा है और कुछ धर्म की परिभाषा नहीं है। और तो आडंबर है, जब आडंबर में फंस जाएंगे तो आँख जो है केचुल, जिस तरह केचुल सर्प को घेर लेती है और वो दिशा विहीन हो जाता है, वो शहर के तरफ भागने लगता है, तो ये धर्म के जो अंधे लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, इनको इंसानियत कहां दिखाई देती है? जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने राजधानी में उतरकर यहां की जनता से बात करी, बड़ा ही शर्मसार कर देने वाला ये मामला है कि जिसमें भारत देश जैसे देश में लोग धर्म के नाम पर आपसी रंजिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के ऊपर गोलियाँ चला दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक शर्म की बात है। इस तरीके के जो लोग हैं, जो अपने मन में धार्मिक भेदभाव को लेकर चल रहे हैं, जो किसी के धर्म की इज्जत नहीं करते हैं, उन्हें चुन्नू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि आपका धर्म पहले नहीं, आप इंसान हैं, पहले उसको देखिए, पहले इंसानियत आती है, बाद में धर्म आता है। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरामैन दीपक के साथ। मैं कनक मिश्रा, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।